उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर लूटकांड में एनकाउंटर का सिलसिला अभी भी जारी है। अब उन्नाव में ये मुठभेड़ हुई है जिसमें एक और आरोपी को मार गिराया गया है। आरोपी का नाम है, अपराधी का नाम है अनुज प्रताप सिंह। किन परिस्थितियों में ये एनकाउंटर हुआ है, क्या है मुठभेड़ की पूरी इनसाइड स्टोरी, वो हम आपको अब दिखाते हैं। यूपी एसटीएफ की टीम ने 1 लाख के इनामी और आरोपी अजय प्रताप सिंह को आज सुबह उन्नाव के अचलगंज इलाके में मुठभेड़ में मार गिराया। सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप केस में यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सबसे पहले पुलिस ने मंगेश यादव नाम के आरोपी का एनकाउंटर किया था। उसके बाद आज पुलिस ने दूसरे आरोपी अनुज प्रताप सिंह को उन्नाव मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। जाति के नाम पर एनकाउंटर के बहाने अखिलेश यादव लगातार यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे। 28 अगस्त 2024 को सुल्तानपुर के ठटेरी बाजार में फिल्मी अंदाज में हुई लूट की इन तस्वीरों में अनुज प्रताप सिंह नाम का ये आरोपी सबसे आगे दिख रहा है। लेकिन आज सुबह 4 बजे करीब उन्नाव के अचलगंज इलाके में लूट कांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह और उसके एक साथी की पुलिस से मुठभेड़ हुई जिसमें अनुज मारा गया। आज दिनांक 23/9/24 को अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम में बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ, वह दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जो घायल अभियुक्त था उसको प्रथम उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया, उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया जहाँ डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सरनोक धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। उन्नाव के जिस गांव में यूपी एसटीएफ ने अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर किया वहां आज तक ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी स्पॉट पे जहां पर यूपी एसटीएफ की टीम और प्रताप सिंह और उसके एक साथी की मुठभेड़ हुई। ये अगर आप देखेंगे यही वो स्पॉट है जहां पर उसको गोली लगी। यहां पे अगर आप देखेंगे तो खून के धब्बे आपको अभी भी यहां पर मौजूद मिलेंगे, अभी तक सूखे नहीं है। ये आपको बताता है कि कुछ ही घंटे पहले की ये घटना है। आपको बता दूं कि यहां पर फॉरेंसिक टीम ने आके भी साक्ष्य जुटाने का काम भी किया है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो बाकायदा मास्क और अंदर भी जाकर फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने का काम किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिलहाल फॉरेंसिक टीम के आपको छोड़े हुए मास्क और ग्लव्स देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं कि सुबह 4 बजे का वक्त था जब ये पूरी मुठभेड़ हुई। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ की टीम को ये इनपुट मिला था कि इस पूरी घटना के आरोपी अजय प्रताप सिंह अपना एक साथी के साथ उन्नाव में छुपा हुआ है। इस एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ के एक सिपाही रवि वर्मा को भी गोली लगी लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसकी जान बचा ली। बुलेट प्रूफ आपने जैकेट पहनी थी, कहाँ गोली लगी? सामने लगी थी। सामने कहाँ? सामने यहाँ छाती पे? छाती से थोड़ी सी नीचे। आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी? जी, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी। तकरीबन कितने बजे का समय रहा होगा और कितने लोग रहे होंगे जिनसे? करीब 3:30 के बाद का ही समय था और एक्चुअल समय तो उस समय 3:30 के बाद का ही समय था। अंधेरा था? जी, अंधेरा था। तो उस वक्त जब गोली लगी आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, आपको क्या एहसास हुआ या क्या उस वक्त महसूस हुआ, आपको उस वक्त क्या लगा? अब उस समय बुलेट का प्रेशर इतना दबाव ज़्यादा रहता है, जैसे हम लोगों को ट्रेनिंग में बताया गया है कि बुलेट का प्रेशर दबाव रहता है। भले मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था लेकिन बुलेट के प्रेशर से हल्का चोट और वो दबाव मुझे लगा। अब एनकाउंटर में मारे गए बदमाश अनुज प्रताप सिंह की क्राइम कुंडली भी समझ लीजिए। अनुज प्रताप सिंह अमेठी के मोहनगंज थाने के जनापुर का रहने वाला था। अनुज सुल्तानपुर लूट गैंग के मास्टरमाइंड बताए जा रहे विपिन सिंह का सबसे करीबी गुर्गा था। विपिन सिंह भी अमेठी का ही रहने वाला था, वो कोर्ट में सरेंडर कर चुका है। विपिन सिंह के साथ अनुज प्रताप सिंह गुजरात के सूरत में एक डकैती कांड में आरोपी था। अनुज पर सुल्तानपुर और सूरत लूट कांड के 2 मुकदमे दर्ज थे। उन्नाव में मुठभेड़ में मारे गए अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह ने जैसे ही बेटे की मौत की खबर सुनी उनका दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को एक ठाकुर का एनकाउंटर करवाकर तसल्ली मिल गई होगी।
अनंत प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था ये? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया, जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। सुल्तानपुर लूटकांड की सीसीटीवी फुटेज बता रही है कि जिस दुकान में लूट हुई थी वहां घुसते ही अनुज ने ही सबसे पहले दुकान के बाहर खड़े गार्ड को काबू में कर लिया था। बाइक पर लूट की ज्वेलरी लेकर बदमाश जब बाहर निकले तो सबसे भारी बैग भी अनुज के पास ही देखा जा सकता है। अब इस एनकाउंटर के बाद सुल्तानपुर लूटकांड से जुड़े 3 ही आरोपी बचे हैं, जिन पर 1,00,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया गया है। सिमर चावला, उन्नाव, आज तक। आपको याद होगा कि इसी मामले में इससे पहले, यानी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर से पहले, अखिलेश यादव नाम के एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ था। तब अखिलेश यादव की तरफ से जाति को लेकर बहुत सवाल उठाए गए थे। अब एक बार फिर मुठभेड़ पर जाति वाली राजनीति शुरू हुई है। यूपी पुलिस की गोली एक बार फिर चली और एक बार फिर छलनी हुई है डकैती के एक आरोपी की छाती। सुल्तानपुर डकैती कांड में 1,00,000 के इनामी बदमाश अनुज प्रताप सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया और जैसा कि प्रचलन बन गया है, एनकाउंटर के ठीक बाद राजनीति शुरू हो गई। मारे गए आरोपी की जात तलाशने की राजनीति। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मंगेश यादव की मौत पर जाति देखकर एनकाउंटर करने के आरोपों से निकलने के लिए यूपी पुलिस ने जानबूझकर अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर किया। जहां तक ये मर्डर का सवाल है, एनकाउंटर का सवाल है, तो शायद चेक बैलेंस होगा और उस बात पे भी सवाल इंसान खड़ी करता है। पुलिस कह रही है उसने गोली चलाई, जिसके ऊपर 2 मुकदमे थे गुजरात में और एक यहां। सवाल इस बात का है, सरकार के इकबाल पर सवाल है और पुलिस के इकबाल पर सवाल है। सरकार कहती है 0 tolerance, सरकार के मुखिया कहते हैं कि ये तो अपराधी उत्तर प्रदेश से भाग जाएंगे या तो जेल में होंगे, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। पुलिस खुद कह रही है कि अपराधी पुलिस के बल पर फायर करता है, पुलिस पर हमला करता है और रोज हत्या हो रही है, डकैतियां पड़ रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं, फिरौती मांगने वाला पुलिस के सामने से भाग जा रहा है। तो ये सवाल खड़े करता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है या पुलिस का बोलबाला है। हमको तो कभी कभी लगता है कि अपराधी और पुलिस दोनों में गैंगवार चल रहा है। न पुलिस अपराध करने से बाज आ रही, कानून अपने हाथ में ले रही है और अपराधी खुलेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं, जैसा कि सरकार और पुलिस कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है कि यूपी पुलिस पर आरोपों के दाग लगे थे, जिससे बचने के लिए उसने अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर किया। मेरा मानना है कि इसलिए किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, यदि हुई है तो, कि क्योंकि हम पे सवाल उठा तो हमने एक और मार दिया। जिस जात की संरक्षण की बात हो रही, उसी जात का मार दिया। यूपी में विपक्ष एक बार फिर आरोपों का आकाश रच रहा है, एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है, योगी सरकार को निशाना बना रहा है, मगर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उनके शासन में अपराधियों को कानून सख्त सजा दे रहा है, बल्कि योगी तो समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर हमलावर है। 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, कहीं खनन माफिया भी था, कहीं वन माफिया भी था, कहीं पशु माफिया भी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहज जाते थे, प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। यूपी सरकार के मंत्री भी मानते हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है और पुलिस अपराधी की जाति देखकर गोली नहीं मारती। विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है। हमको तो उन लोगों की बात पर हंसी आती है। 67 मुसलमान अपराधी, 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 17 जाट गुजर, 16 यादव, 24 अति पिछड़ा और 26 अन्य लोग मारे गए जो अपराधी प्रवृत्ति के थे।
तो फिर मंगेश यादव पे ही चर्चा क्यों? सभी लोगों पे चर्चा करनी चाहिए। एक जाति पे चर्चा करने का मतलब जाति को बढ़ावा देना। बीजेपी भी आरोपियों की जात पर मची जंग में शामिल है। वो अखिलेश यादव पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। एसटीएफ लखनऊ ने उन्नाव में एक मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह नाम के एक अपराधी को मार गिराया। अब इस पर सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया, ना कोई रिएक्शन आया। हो सकता है उनकी जाति का नहीं होगा या किसी विशेष समुदाय का नहीं होगा। मोहसिन रजा ने बयान देने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे। इसके ठीक पहले जब पुलिस मुठभेड़ में मंगेश यादव नाम का आरोपी मारा गया था, तब भी बहुत सवाल उठे थे। अखिलेश यादव ने तब आरोप लगाया था कि मंगेश का एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि वो जाति से यादव था। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा मोर्चा खोला, और सिर्फ मोर्चा ही नहीं बल्कि मंगेश के परिवार को उन्होंने अपने घर बुलाया था और आर्थिक मदद भी की थी। अब मंगेश के बाद अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ है और एक बार फिर आरोपियों की जात पर सियासत सर उठाए है। उन्नाव से सिमर चावला के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।